तो सबसे पहले बात यूक्रेन की। यूक्रेन में कई जगहों पर हमले के बाद युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक बागियों ने कुछ स्कूलों समेत कई ठिकानों पर गोले बरसाए हैं। रूस समर्थित बागी गुट और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे पर हमले का आरोप लगाया। रूस सेना को पीछे करने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया को रूस की बातों पर भरोसा नहीं है। अमेरिका लगातार आरोप लगा रहा है कि रूस यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। वही देखिए, सैटेलाइट तस्वीरें भी रूस के दावे को झुठला रही हैं। रूस यूक्रेन में युद्ध की आहट से भारत की चिंता भी बढ़ गई है। यूक्रेन में काफी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। ये तस्वीरें यूक्रेन के लुहानस्क क्षेत्र के एक स्कूल की है। स्कूल पर मिसाइल से बमबारी की गई। हमले में स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। 3 लोगों के जख्मी होने की खबर है। इस घटना के बाद अमेरिका ने फिर यह चेतावनी जारी कर दी कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। सीधे आपको ले चलते यूक्रेन। हमारे सहयोगी गौरव सावंत वहां पर मौजूद है और वहां ग्राउंड पर स्थिति क्या है ये जरा गौरव से समझ लेते हैं। गौरव, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, आज तक उस जगह पर है जहां से बखूबी बताया जा सकता है कि अभी हालात क्या बने हुए हैं। रूस के दावे एक तरफ, अमेरिका की चेतावनी एक तरफ, क्या हालात है? जमीनी स्थिति की अगर हम बात करें तो इस समय कीव जहां हम हैं, यूक्रेन की राजधानी, वहां पर पारा 0 से कुछ नीचे है। लेकिन ये तो यहाँ के पारे की बात करें, जो सामरिक पारा है वो बेहद बढ़ा हुआ है। युद्ध के बादल हैं या नहीं, अभी आकाश में घने बादल है और इन घने बादलों की वजह से यहाँ पर लोग अपने घरों से कम भी निकल रहे हैं। ठंड बेहद, लेकिन सामरिक पारा चढ़ा हुआ, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। जिस बमबारी की अमेरिका बात कर रहा है उससे जबरदस्त तनाव भी है सीमावर्ती इलाकों में। कल जब हम यूक्रेन पहुंचे, कीव पहुंचे, तो यहाँ का एक इलाका है राजधानी में जिसे फ्रीडम स्क्वायर कहा जाता है, वहां पर उनकी संसद भी है, बहुत ऐसे दफ्तर भी है, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि सेना के सिपाही सीमावर्ती इलाकों में जाने से पहले आते हैं, लोगों से मिलते हैं, शांति की बात तो करते हैं लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का भी वो दावा करते हैं। किसी भी परिस्थिति से क्या निपटने के लिए यूक्रेन तैयार है? अगर आप सामरिक शक्ति और क्षमता देखें तो रूस की कहीं अधिक है। 1,00,000 से ज्यादा सिपाही उसके तैनात हैं। बेलारूस में एक बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। जिन सैनिकों को रूस वापस करने की बात करता है वो क्राइमिया के इलाके से एक युद्धाभ्यास के बाद कुछ पीछे लौटे हैं, लेकिन अपने बैरिक्स में नहीं गए हैं, ऐसा अमेरिका का दावा है। और अमेरिका के चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर एंटनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि अगले चंद दिनों में किसी भी समय रूस हमला कर सकता है, और उसकी वजह से यहां पर तनाव लोगों के मन में, वो मानसिक शांति जो थी अब वो जा रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस वक्त वहां की तस्वीर दिखाने के लिए, हालात बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।